बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक जात के बबरकत नाम से जो दिलों के राज बखूबी जानता है। ऐश वाइस की जानिब से तमाम सुनने और देखने वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम। सामईन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 16 मुहर्रम उल हराम के दिन का खास वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाहुल अजीज इस वजीफे को करने में आपको सिर्फ 5 सेकंड्स लगेंगे और जिंदगी की सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हर मुराद वजीफा करते ही पूरी हो जाएगी। हर हाजत, हर दिली ख्वाहिश, हर मकसद अल्लाह ताला के हुक्म से पूरा होगा। कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। 5 सेकंड्स का ये वजीफा आपकी तकदीर बदल देगा, आपका नसीब खोल देगा, किस्मत के दरवाजे आप पर खुल जाएंगे, अल्लाह ताला की जात आप पर अपना खास करम फरमाएगी। लेकिन ये वजीफा सुनने से कबल हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपकी मुश्किलात के हल के लिए वज़ाइफ लाते रहते हैं। सामईन, मुहर्रम उल हराम बस गुजरने ही वाला है। आपने इसके 14-15 दिन इसकी बरकतें रहमतें समेटते हुए गुजार दिए हैं, तो बाकी जो थोड़े दिन रह गए हैं ऐसे ही गुजारने हैं। जिस तरह के ये महीना खत्म होगा तो शायद हमारी जिंदगी ही खत्म हो जाए। तो अल्लाह ताला से अगर अपनी लंबी जिंदगी की दुआ मांगते हैं तो साथ ये भी दुआ मांगा करें कि हमारी जिंदगी इबादत और रियाजत में गुजरे। तो सामीन, आपने अपने रब्बे करीम को मनाते हुए, रब्बे जुलजलाल को राजी करते हुए, अपनी तमाम परेशानियों को हल करवाते हुए ये वजीफा हमारा जरूर करना है। वजीफा इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आप पछताएंगे। वजीफा बहुत ही छोटा सा है, इसको करने में आपको सिर्फ 5 सेकंड्स ही लगने हैं। आपने ये वजीफा करना है, इंशाल्लाह ताला आप देख लीजिएगा कि किस तरह आप जो भी दुआ मांगेंगे वो पा लेंगे। तो अमल ये है कि आपने रोजाना 100 बार अल्लाह ताला का इसमें गिरामी या समीयो इसको आपने 100 बार रोजाना पढ़ना है, और इसके दौरान कोई भी गुफ्तगू नहीं करनी, कोई बातचीत नहीं करनी, और 100 बार पढ़ने के बाद अपने रब्बे जुलजलाल से दुआ करनी है अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए, हर दिली ख्वाहिश के लिए, और जो भी आपकी परेशानी है उसको खत्म करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वजीफा मुकम्मल होगा और आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं, आपकी हाजतें कैसे पूरी होती हैं, आपका मकसद कैसे पूरा होता है। उम्मीद है सामीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह।